आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक ऐसा माइक जो दे स्टूडियो क्वालिटी आउटपुट, बट है वो एक यूएसबी माइक। और कैसे आप बिना स्टूडियो के भी ओपन एनवायरनमेंट में इस माइक को यूज कर सकते हैं। तो पेश है रोड एंटी यूएसबी प्लस माइक, जो एंटी यूएसबी की अगली पीढ़ी से आता है। इस बॉक्स में आपको मिलेगा माइक स्टैंड, पॉप फिल्टर, स्वयं माइक, टाइप सी टू टाइप सी केबल, ये बुकलेट और सौंफ का पैकेट, सिलिका जेल का पैकेट, और कैप्टन प्लैनेट की शक्तियों की तरह जब ये भी मिल जाते हैं तो हो जाता है हमारा माइक रेडी। अब ये रहे कुछ जरूरी क्लोजअप शॉट्स। तो बाबा, इस केबल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट हो जा, यस। और आपकी माइक की जो बत्ती है वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए, माइक इज ऑन। तो चलिए बात करते हैं इस माइक के फीचर्स की। ये माइक आता है मल्टी कनेक्टिविटी के साथ, यानी कनेक्ट होता है आपके मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप से। रोड एंटी यूएसबी प्लस है कंडेंसर माइक्रोफोन, और ये आता है कार्डियोइड पैटर्न के साथ। आप इस माइक्रोफोन में बिना किसी लेटेंसी के साथ हेडफोन्स लगाकर अपने साउंड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस माइक की केबल आती है टाइप सी टू टाइप सी वाली, यानी कि अगर आपको इसके लैपटॉप में कनेक्ट करना है और आपके लैपटॉप में टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे मेरे लैपटॉप में नहीं है, तो मैंने लिया है ये अडैप्टर जो इसे बनाता है टाइप सी टू यूएसबी टाइप ए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं यूट्यूब से भी पैसे कमाऊंगा और मैं एक टाइप सी कनेक्टिविटी वाला लैपटॉप भी ले पाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, इस माइक का डिजाइन बहुत ही सेक्सी लगा मुझे। और ये माइक आता है बहुत ही हैवी बिल्ड के साथ, जो अलग अलग काम में आपकी हेल्प कर सकता है, यानी कि आप इससे किसी को मार सकते हैं या घर में मरम्मत भी कर सकते हैं। इस माइक के और फीचर्स इनेबल करने के लिए आप रोड की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से रोड कनेक्ट या फिर रोड सेंट्रल नाम की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन देता है आपको बहुत सारे फीचर्स, जैसे आप इस माइक का गेन कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइस गेट ऑन कर सकते हैं, कंप्रेसर ऑन कर सकते हैं, बिग बॉटम, हाई पास फिल्टर जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो दोस्तों, अभी ये बिल्कुल रॉ रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं रोड एंटी यूएसबी प्लस माइक्रोफोन से। ना ही इसका कोई नॉइस गेट ऑन है, ना ही मैंने एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऑन कर रखा है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट होता हूं ताकि आप रूम नॉइस सुन सकें। तो आपने सुना शायद, आपको बैकग्राउंड में कुछ कुछ और आवाजें भी आ रही होंगी। चूंकि कंडेंसर माइक्रोफोन है तो ये सेंसिटिव है, ये आसपास की नॉइज भी कैप्चर करेगा। अब मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग के दौरान इसका नॉइज गेट ऑन करता हूं। मैंने इसका नॉइज गेट ऑन कर लिया, कुछ सेकंड साइलेंट रह के सुनते हैं कि कैसे ये अब रूम नॉइज ट्रीट करता है। और क्या आपको नॉइज गेट ऑन करने के बाद कुछ आवाज में अंतर महसूस हो रहा है, वो आप नीचे कमेंट करिएगा इफ यस और नो। अभी रिकॉर्डिंग है रोड एंटी यूएसबी प्लस माइक से ही, लेकिन मैंने अपने सिस्टम पर एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऑन कर रखा है। ये एनवीडिया ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। मुझे पर्सनली एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के साथ बहुत डिफरेंस लगता है एज कंपेयर टू माइक्रोफोन्स के खुद के नॉइस गेट हो या कुछ भी वो फीचर्स देते हैं। तो ये है विद एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, और मैं एक स्क्रिप्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। अभी ये माइक्रोफोन मुझसे बहुत दूर है, यानी इस इतने डिस्टेंस से भी ज्यादा का डिफरेंस है मेरे और माइक्रोफोन के बीच में। चलिए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। अब यही थोड़ी प्रॉक्सिमिटी देखते हैं, यानी माइक्रोफोन को मैं और अपने पास लाके बोलता हूं, कितना डिफरेंस आएगा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि माइक को पास रख के कितना फर्क है या दूर रख के कितना अंतर है। इस माइक का जो गेन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने थोड़ा सा गेन बढ़ा रखा था, तो कुछ कुछ जगह पर क्लिप हुई है आवाज, तो आप गेन इस तरह से रखें कि अभी जो लेवल्स आ रहे हैं उतने ही लेवल्स आपके रहें, दैट इज बेस्ट। अब देखते हैं कि ये कितनी आसपास की ठक ठक को कैप्चर करता है। पहले मैं टेबल पे टैप करता हूं, या कुछ ऑब्जेक्ट को। बहुत ज्यादा ये कैप्चर कर रहा है, इसमें इस माइक्रोफोन का नॉइज गेट ऑन है। अब एक और रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें हम एनवीडिया के थ्रू देखते हैं कि कितना कैप्चर करता है। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के साथ, और
अब मैं टैप करता हूं टेबल पर, पहले मैंने टैप करा है, यस। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बजाता हूं, ना के बराबर पीक्स। तो अब ये रिकॉर्डिंग भी एनवीडिया के थ्रू ही हो रही है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि मैंने अपने रूम में एसी भी ऑन कर दिया है, फैन भी ऑन कर दिया है, तो अब दोनों चीजें ऑन है। क्योंकि भाई सवाल ये है कि हम इस एनवायरमेंट में बैठ रहे हैं तो क्या हम एसी या फैन ऑन करके इस माइक को यूज कर सकते हैं। अब एनवीडिया के थ्रू तो मुझे लग रहा है कि ये माइक को सपोर्ट करेगा, ज्यादा उस चीज की नॉइज कैप्चर नहीं करेगा, साइलेंट रहते हैं, पहचानते हैं। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये विदाउट एनवीडिया है, रोड जो माइक है उसके खुद नॉइज गेट ऑन है और रूम में फैन ऑन है, एसी ऑन है। अब मैं साइलेंट रहता हूं, देखता हूं कि ये कितना रूम नॉइज कैप्चर करता है। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, चलिए एक और टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब इस माइक के हम प्लोजिव्स चेक करें, जो बफ ब्लोज आते हैं वो कितने ये पॉप फिल्टर काम करता है। पप्पू के पापा ने पप्पू को प्यार से पिज्जा और पैंट दिलाई। पप्पू के पापा ने पप्पू को प्यार से पिज्जा और पैंट दिलाई। पप्पू के पापा ने प्यार से पप्पू को पिज्जा और पैंट दिलाई। बफ ब्लो फ्लार प्ले बॉल। तो चलिए इस माइक को अब और डिफरेंट माइक्रोफोन्स के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो अभी आप आउटपुट सुन रहे हैं ये आ रहा है रोड एंटी यूएसबी प्लस माइक्रोफोन के साथ, जहां पर मैंने इसका नॉइज गेट ऑन रखा हुआ है, एनवीडिया ऑन नहीं है। तो चलिए अब इसे कंपेयर करते हैं एक प्रॉपर कंडेंसर एक्सएलआर माइक्रोफोन के साथ। तो अब मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये आ रही है मेरे AKG C214 माइक्रोफोन के साथ। ये एक प्रॉपर कंडेंसर माइक्रोफोन है एक्सएलआर केबल के साथ जो आता है। और दोस्तों यार आप कमेंट करते हैं कि वो आपने ऑडियोज भेजे रिव्यू नहीं हुआ, वो आपको पता होना चाहिए कि बंद हो चुकी है वो सीरीज रिव्यू वाली, तो अब रिव्यूज नहीं आएंगे, आई एम सो सॉरी। बट चलिए कमिंग बैक टू दिस, तो ये आपने सुना पहले एंटी यूएसबी प्लस, और अब आप सुन रहे हैं AKG C214 के साथ। और अब हम चलते हैं, स्विच करते हैं एक और माइक्रोफोन पे। तो अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है श्योर SM58 के साथ। इसमें लेवल्स बहुत ही कम आएंगे, मुझे इसके लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हेलो 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 यस। तो मैंने इसके लेवल्स बढ़ाए हैं अपने ऑडियंट ID4 इंटरफेस का यूज़ करके, और थोड़े से बढ़ाने की गुंजाइश। अब चूंकि ये डायनेमिक माइक्रोफोन है तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी कम है, लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, पर ओपन एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डायनेमिक माइक्रोफोन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आपके पास NVIDIA ब्रॉडकास्ट जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो हर लैपटॉप में नहीं डल सकता, उसके लिए भी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब आप समझ रहे हैं मैं बिल्कुल साइलेंट होता हूँ, आप कुछ सेकेंड्स के लिए सुनिए। ये कंडेंसर माइक्रोफोन से कम नॉइस कैप्चर करेगा। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं एक और माइक्रोफोन के साथ। तो अब एक और माइक्रोफोन के साथ मैं टेस्ट करता हूं। ये माइक्रोफोन है ATR 2100, ऑडियो टेक्निका कंपनी का ATR 2100। ये है एक USB माइक्रोफोन एंड दैट इज आल्सो डायनेमिक। तो जैसे रोड एंटी यूएसबी प्लस कंडेंसर माइक्रोफोन था जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, आसपास नॉइस भी ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं, ये है डायनेमिक माइक्रोफोन जो कि आसपास की नॉइस उतनी कैप्चर नहीं करता। तो अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है, लिमिटेड बजट है, ओपन एनवायरनमेंट यानी एक रूम में आप करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग, और बजट अराउंड आप 8-9 हज़ार खर्च कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है। ऑडियो टेक्निका ATR 2100X अपग्रेडेड मॉडल आता है, या फिर सैमसॉन SAM-SON, सैमसॉन का Q2U, ये दोनों ही बिल्कुल सिमिलर माइक्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप बजट अगर 10 हज़ार से कम रखना चाहते हैं और अपनी वॉइस ओवर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छा आउटपुट चाहते हैं, तो आप ये माइक्रोफोन ले सकते हैं। मैं कुछ देर साइलेंट रहता हूं, इसका भी आप एक रूम नॉइज सुन लीजिए। अब जैसे इन माइक्रोफोन्स में अगर बफ या ब्लो आ रहा है, प्लोसिव्स आ रहे हैं, तो उसके लिए या तो आप विंडशील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उतना कारगर नहीं होता, एल्स आपको पॉप फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो मुझे उतनी ज्यादा खास नहीं लगी। जैसे मैं हमेशा से ही XLR माइक्रोफोन्स का ज्यादा फैन रहा हूं एज कम्पेयर टू USB माइक्रोफोन। ये जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इसी बजट में कोई XLR माइक्रोफोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट बेटर है, ये उस तक रीच करने में थोड़ा सा कमजोर है। दूसरी चीज बताऊं, इस माइक्रोफोन का ये जो स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इट्स काइंड ऑफ फ्लिमसी, इतना ज्यादा रग्ड, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो आपको एक पोजीशन बनानी पड़ेगी ढंग से, बिकॉज माइक का वेट बहुत ज्यादा है और इसका वेट इतना नहीं, तो ये डोलता रहता है, तो ये थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना चाहिए इनको जो ट्राइपॉड स्टैंड देते हैं। सबसे जरूरी चीज जो इस माइक के ऊपर होनी चाहिए थी, एक तो म्यूट बटन होना चाहिए था। आप इस माइक को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक वॉइस ओवर्स या फिर गेमिंग या फिर पॉडकास्ट। तो बहुत बार चाहिए होता है कि हमें सामने ही म्यूट बटन चाहिए, बट वो नहीं है। एक म्यूट बटन होता तो बहुत अच्छे। और एक नॉब यहाँ पर ही गेन का होना चाहिए था कि आपको माइक का कितना गेन रखना है। खैर वो सॉफ्टवेयर से हो जाता है, बट यहाँ पे होता तो ज़्यादा एक्सेसिबल है। और एक और चीज़ कि जो इससे प्रीवियस मॉडल था एनटी यूएसबी, उसके साथ प्रॉपर एक टाइप ए यूएसबी केबल आती थी। इसमें दोनों तरफ टाइप सी है, तो वो केबल भी है, अच्छी बात है, आपके जो टैबलेट्स में भी या फिर फोन्स के साथ चल सकती है। बट एक टाइप ए यूएसबी केबल होती तो वो भी बहुत अच्छा होता। सो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस माइक्रोफोन के बारे में, आपको अलग अलग माइक के साथ इसके कंपैरिजंस भी दिखा दिए। और ये माइक मुझे पड़ा था अराउंड 18,000 का, जो इसका रोड एंटी यूएसबी है, यानी प्रीवियस मॉडल, वो भी अब अभी भी आता है। बट आई बिलीव आप इसका अपग्रेडेड यानी प्लस मॉडल ही लीजिएगा, दोनों में अंतर है, प्लस वाला ज्यादा बेहतर है। एंड आई बिलीव इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट कि मैं कहीं पर भी ट्रैवल करना चाहता हूँ और मैं कंडेंसर माइक के साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे लैपटॉप में एनवीडिया है, ब्रॉडकास्ट है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मुझे लगा। बाकी आई होप कभी ऐसा मौका आए कि कंपनीज हमें माइक्रोफोन भेजें कि आप इसकी टेस्टिंग करें, बताएं कि भाई कैसा माइक्रोफोन है। सो दैट विल बी ग्रेट, बट अभी के लिए इतना ही। आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपको ये रोड एंटी यूएसबी प्लस की परफॉर्मेंस कैसी लगी, आप ये भी बताइएगा, इज इट वर्थ इट और नॉट, मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूँ। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो इसमें, हाँ इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी, पर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।